गुड आफ्टरनून गाइस, और टाइम हो रहा 2:00 आफ्टरनून का, और आज है थर्सडे और बॉम्बे में इतनी बारिश है। सीरियसली मैं जब सुबह उठी समारा को स्कूल भेजने के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज स्कूल बंद हो जाएगा, अभी मैसेज आएगा, अभी मैसेज आएगा। इसके चक्कर में 6:45 तक मैं वेट की, फिर स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया और बस भी बच्चों को रिसीव करने के निकल गई थी। तब मैं समारा को उठाई और फटाफट समारा के लिए फूड रेडी की। आज उसको ब्रेकफास्ट में इडली और शॉर्ट ब्रेक में इडली खाई लेके गई है वो, और लॉन्ग ब्रेक के लिए आलू पराठा विद कर्ड जो उसका फेवरेट फूड है, और वो खाना हाँ वो दूध और ओरियो खा के गई है। उसको मूड ही नहीं रहता सुबह खाने का। और अभी जा करके मॉर्निंग वाले बच्चे, किसी किसी स्कूल पे यहाँ पे सेकंड शिफ्ट भी चलती है, मीन्स मॉर्निंग 7:00 से 12:00, 12:30, 1:00, आई डोंट, मतलब ऐसा ही आफ्टरनून तक का, और फिर आफ्टरनून से एक इवनिंग तक का बैच चलता है उनका। हमारा के स्कूल में ऐसा नहीं है, तो जिनका जो सेकंड शिफ्ट का था ना उनको छुट्टी मिल गई, इसके वजह से स्कूल हमारा के स्कूल से भी अभी मैसेज आया है कि 2:00 वो लोग भी छोड़ेंगे, तो हमारा भी 2:00 स्कूल की छुट्टी होगी। जो स्कूल बस से जाते हैं बच्चे वो उनको जल्दी भेजा जा रहा है, बाकी जो प्राइवेट बस है और जो बच्चे वॉकिंग आते हैं या फिर खुद के पेरेंट्स जिनको पिकअप करते हैं उनका आई थिंक टाइमिंग सेम रहेगा, या 2:30 के अराउंड उनको भी बुलाया जाएगा। और इतना सब पूरा रोड पे पानी है, मतलब अगर यही कंडीशन रहा ना एक सप्ताह और, तो मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश है। एक सप्ताह का इस तरह से बारिश हुई ना तो सब जगह पानी रुकना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे भी रोड पे अभी भी बहुत पानी है, एक्चुअली हमारे एरिया में तो नहीं है बट जो टाउन वाले एरिया है वो सब में बहुत जगह पानी है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो थर्सडे को मैगी चाहिए रहता है, तो थर्सडे को वैसे वैसे खिचड़ी बनाना नहीं रहता है मुझे, तो थर्सडे मैं उसको मैगी देती हूँ, मैगी या फिर वो जो मांग ले, कभी पास्ता वगैरह मांग लेती है तो जो बोलती है, मैं उसको थर्सडे का एक दिन का टाइम देती हूँ जिसमें उसको जो खाना, मोस्टली वो मैगी ही खाना पसंद करती है, तो मैगी बनाना है। अभी 2:00 हो चुका है, देखती हूँ कब तक हमारे की बस आती है। बहुत डर लगता है ना इतने, मतलब इतनी बारिश है और बच्चे बाहर जा रहे हैं। मुझे आज बिल्कुल मतलब आज बहुत बारिश है। आज मुझे ऐसा लगा था कि आज छुट्टी रहेगी स्कूल की, बट ऐसा हुआ नहीं, सारे बच्चे स्कूल गए हैं। मैम एक्चुअली आज मुझे डॉक्टर को फ़ोन करके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी चाहिए था बट मैं भूल गई हूँ। अभी मैं चली पहले डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, उसके सर्जन का अपॉइंटमेंट है लेना है मुझे, तो पहले मैं फिर से ना भूल जाऊँ, तो पहले मैं उनको फ़ोन करके उनका अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। या मेरी डॉक्टर के असिस्टेंट से बात हुई है, एक्चुअली जो डॉक्टर तरल नागदा जो सर्जन है उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनका एक टीम को फ़ोन करना रहता है। नॉर्मल जैसे हमारा वो जो डॉक्टर हैं वो जुपिटर में आते हैं, तो जुपिटर में बात करने से उनका अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है, तो उनका एक टीम है जो उनका अपॉइंटमेंट वगैरह हैंडल करती हैं, उनका पूरा प्रॉपर एक टीम है। तो उनको फ़ोन किया तो उन्होंने 29 और 5 अगस्त का डेट दिया था, तो फिर मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तो एक्चुअली उनके लिए एक्चुअली मेरे को जुलाई में ही डॉक्टर से मिलना था, लेकिन जुलाई में नहीं गई मैं क्योंकि मेरे को हस्बैंड के साथ जाना था। लास्ट मैं 2-3 times से अकेले जा रही थी, तो मुझे इस बार मेरे हस्बैंड के साथ जाना था। मेरे हस्बैंड आई थिंक समारा के ऑपरेशन के टाइम में गए हैं, उसके बाद उनको टाइम नहीं, मतलब वो यहाँ पर हैं थे ही नहीं, तो मैं अकेले ही विजिट कर रही थी, तो इस बार मैं अपने हस्बैंड का वेट की हूँ। तो वो आने वाले हैं 28 को नाइट में, तो 29 का अपॉइंटमेंट था, टाइमिंग 11:30 और 11:45, मतलब दो ही स्लॉट खाली था, और सेकंड ऑप्शन था 5 अगस्त का 2:30 का। तो हस्बैंड से बात हुई, तो मेरे हस्बैंड 4 अगस्त को फिर से वो रिटर्न चले जाएंगे, मतलब 4-5 दिन के लिए ही आ रहे हैं, तो 29 का हमने कंफर्म किया है। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, उसके पैर के रिगार्डिंग ही बात होगी, फिर बताती हूँ आपको भी। 29 को सेकंड सोमवार है और मेरा फास्टिंग भी है। अब एक्चुअली मैंने समारा के लिए 16 सोमवार करने का मैं मन बनाई हूँ कि मैं 16 सोमवार करूँगी, तो देखते हैं वो भी। और 29 का जो डेट है वो एक्चुअली इतना अच्छा दिन भी नहीं है हमारे लिए। अभी मुझे याद आ रहा है कि मैं कॉर्न लेकर आई थी और समारा को कॉर्न बहुत पसंद है खाना,
तो मैं चली इस कॉर्न को बॉईल करने के लिए। आप लोगों को किन किन लोगों को पसंद है स्वीट कॉर्न? मुझे तो बहुत पसंद है स्वीट कॉर्न खाना। एक्चुअली यहाँ पर स्वीट कॉर्न तो बहुत इजी मिल जाता है, जैसे कि मैं बिहार झारखंड से, उधर उतना मिलता नहीं है, तो वहाँ पे तो नॉर्मल कॉर्न होता है ना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। उसको ऐसे आग में फ्राई करके खाना बहुत मज़ा आता है मुझे तो। या मैं स्वीट कॉर्न को छील करके उसके अच्छे से ऊपर के जितने हेयर रहते हैं उसको हटा करके मैं अच्छे से धो करके बस सिंपली प्रेशर कुकर में पानी डालकर नमक डाल करके उसको दो पार्ट में तोड़ करके बस दो या तीन विशल तक पकाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है खाने को, मुझे तो बहुत पसंद है। अभी समार आएगी तो बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि उसको मैगी मिलने वाला है और स्वीट कॉर्न, उसको स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है। देखने के लिए बस निकली है कि नहीं, अभी तक उनका लाइव लोकेशन नहीं आया है, मीन्स अभी तक बस नहीं निकली है, तो मैं वेट करती हूँ। वैसे टाइम हो गया है 2:25 और 2:15 का मैसेज आया था बस निकल जाएगी, बट आई डोंट नो क्या रीज़न है लेट आने का। हो गया 2:30 और मैं बस वाली दीदी को फ़ोन की, बट बस अभी तक निकली नहीं है, तो वो बोली है कि जब वो बस निकलेगा तो लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। यहाँ पर बस आ गई और टचवुड इस समय बारिश हो रही कम थी तो बच्चों को लेकर आने में थोड़ा इजी रहा। अब यहाँ से हमारा भी आएगी, वो बहुत खुश होती जब मैं वीडियो शूट करती हूँ। और जैसे लेकर बिल्डिंग के अंदर आए तो बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश आवाज़ सुन के आपको आइडिया मिल रहा होगा कि कितना तेज बारिश हो रही है। पूरे दूर देखने पे तो कुछ दिखता भी नहीं है ठीक से, इतनी तेज बारिश है। यहाँ से हमारा अपना मैगी इंजॉय कर रही है क्योंकि उसका लंच बाद मैगी ही है, फिर यहाँ पे हमारा अपना होमवर्क वगैरह की पढ़ाई वगैरह की सामने। हमारा का डिनर में सॉस और ये स्पिनच पराठा, पालक पराठा, और समारा को बहुत पसंद भी है, थोड़ा वो कुरकुरा भी होता है ना। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हुआ देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।